और बात शारदीय नवरात्र की। अश्विन शुक्ल प्रतिपदा पर रविवार को यानी आज पद्म योग में शारदीय नवरात्र शुरू हो गए। अभिजीत मुहूर्त के साथ श्रेष्ठ मुहूर्त में घर घर घट स्थापना हो रही है। घर घर मंदिर मंदिर सुबह से ही रामायण की चौपाइयों के साथ दुर्गा पाठों की गूंज सुनाई दी। शहर के दुर्गा मंदिरों और हनुमान जी और श्री राम मंदिरों में घट स्थापना के साथ दुर्गा सप्तशती और रामचरित मानस के पाठ हो रहे हैं। अब पूरे 9 दिन माता की आराधना होगी। पहले दिन मां शैलपुत्री के स्वरूप की पूजा की जा रही है। आमेर शिला माता मंदिर में अभिजीत मुहूर्त में घट स्थापना हो रही है। इसके बाद मंदिर को दर्शनार्थियों के लिए खोला जाएगा। इससे पहले सुबह से ही मंदिर में भक्तों का पहुंचना शुरू हो गया। मंदिर में भक्तों की भीड़ को देखते हुए वाहनों को सुबह से ही महल तक जाने से रोक दिया गया। वहीं आज से आमेर महल में हाथी सवारी भी नहीं होगी। शिला माता मंदिर जय माता दी के जयकारों से गूंज उठा। कुछ भक्त कनक दंडवत करते हुए माता के दर्शनों के लिए पहुंच रहे हैं। मंदिर पुजारी बनवारी लाल शास्त्री ने बताया कि अभिजीत मुहूर्त में सुबह 11:55 पर घट स्थापना के साथ ही माता के दर्शन खुलेंगे। 16 से 23 अक्टूबर तक माता के दर्शन सुबह 6 से दोपहर 12:30 तक खुलेंगे। वहीं शाम को 4 से 6 तक भक्त माता के दर्शन कर सकेंगे। दोपहर 12:30 से शाम 4 तक मंदिर के पट मंगल रहेंगे। माता के 20 अक्टूबर को छठ का मेला भरेगा। 21 अक्टूबर को सप्तमी पर रात 10 निशा पूजन होगा। 12 अक्टूबर को अष्टमी पर शाम 4:30 पर पूर्णाहुति होगी। दशमी पर 24 अक्टूबर को नवरात्रा उत्थापन होगा। दुर्गापुरा स्थित दुर्गा माता मंदिर में सुबह घट स्थापना के साथ ही माता के दर्शन खुले। महंत महेंद्र भट्टाचार्य के सानिध्य में वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ ही अखंड ज्योति प्रज्वलित कर घट स्थापना की गई। भक्त माता के दर्शनों के लिए पहुंचे। राजा पार्क पंचवटी सर्किल स्थित वैष्णो माता मंदिर सहित ब्रह्मपुरी स्थित काली माता मंदिर, सूरज पोल बाजार स्थित रुद्र घंटेश्वरी माता मंदिर, आमागढ़ स्थित अंबा माता, झालाना स्थित वैष्णो देवी मंदिर, काली माता मंदिर, आमेर स्थित मनसा माता मंदिर, माता मावलियान, दिल्ली रोड स्थित राजराजेश्वरी मंदिर में भी घट स्थापना के साथ माता की आराधना शुरू हो रही है। आज शारदीय नवरात्र का प्रथम दिवस है और माँ के 9 रूपों में प्रथम स्वरूप शैलपुत्री का आज आवाहन पूजन और श्रृंगार किया गया है। माँ शैलपुत्री पर्वतराज हिमालय की पुत्री हैं। उनके घर में पुत्री रूप में जन्म लिया था माँ ने, इसलिए इन्हें शैलपुत्री के नाम से आज जाना जाता है। इनकी पूजा होती है, पुराणों में इनका वर्णन है। आज के दिन भक्तजन माँ शैलपुत्री से अपनी मन इच्छित कामनाओं के लिए प्रार्थना करते हैं और यहाँ पर झंडे वाला देवी मंदिर में सभी भक्तजन हजारों की तादाद में माँ के दर्शनों के लिए आए हैं, अपनी मनोकामनाओं को व्यक्त करने के लिए माँ के सम्मुख आ रहे हैं, आए हुए हैं और अपनी मनोकामनाओं को माँ के सम्मुख रख रहे हैं। दुर्गा सप्तशती में एक श्लोक आता है कि यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। माँ दुर्गा कहती है कि जो भक्त जिस जिस कामना से मेरी पूजा आराधना उपासना करता है, मैं उन भक्तों की उन मनोकामनाओं को अवश्य में वह पूरा करती हूँ। तो इसी ध्येय से इसी